भीलवाड़ा के प्रसिद्ध कवि हैं मोहनपुरी जी, उन्होंने लिखा है कि आंखें आंखों से चार हुई, आंखें पावन हो जाती है, आंखें जब आंखों में उतरे आंखें जावन हो जाती है, और आंखों में रहने वालों को मत इन आंखों से दूर करो, आंखों से जो रूठा कोई आंखें सावन हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को प्रश्नोत्तर रूप में हम जो संकलित कर रहे हैं उसके भाग संख्या 24 के अंदर मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो को आपको हमेशा की तरह लाइक कर देना है, सभी मित्रों को शेयर कर देना है। जो भी आपके मित्र हैं नेट की, फर्स्ट ग्रेड, NVS, KVS, DSSB इत्यादि की तैयारी करने वाले, व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर कीजिएगा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीतिकाल से संबंधित जितने भी वन लाइनर प्रश्न बनेंगे उनको शुरुआत करते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है? अलंकृत काल। अगले प्रश्न की हम बात करें तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का क्या समय निर्धारित किया है, क्या समय माना है? तो संवत 1700 से 1900 का जो समय है वो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को माना है। आगे हम बात करें तीसरे प्रश्न की तो काव्य की रीति सीखी, सुखबीन सो देखी सुनी, बहुलोक की बातें, ये पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की। महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। काव्य की रीति सीखी, सुखबीन सो देखी सुनी, बहुलोक की बातें। अगली पंक्ति की हम बात करें तो आखर लगाए लेत लाखन की सीमा हो, आखर लगाए लेत लाखन की सीमा हो, किसकी पंक्ति है? पद्माकर की। ठीक है, पांचवा प्रश्न है डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? कलाकाल। कलाकाल नाम दिया है डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल ने रीतिकाल को। छठा प्रश्न है शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? केशव दास थे ये प्रथम आचार्य जो शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक इन्होंने विवेचना की थी। सातवां प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना, लेकिन शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न, नायिका भेद से संबंधित संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी की रचयिता कौन है? तो भानुदत्त है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके के अंदर एक ही प्रश्न के अंदर तीन प्रश्न सम्मिलित होते हैं, वैसे पूछा जा सकता है कि रसमंजरी है जो किससे संबंधित ग्रंथ है, तो नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। भाषा की बात करें तो ये संस्कृत का ग्रंथ है, और रचयिता की बात करें तो भानुदत्त। तो इन चीज़ों को भी आप विशेष तौर से ध्यान रखा करें कि एक प्रश्न के अंदर कितने प्रश्न बन रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें जरूरी है। अगला है ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही ने अनुमानो ऐसे ऐसे कबीन की वाणी हूँ सो जानी है, ये पंक्ति किसकी है? मतिराम साहब की। दसवां प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो 57, 57 कवियों का रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत उल्लेख किया है शुक्ल जी ने। बात करें अगले प्रश्न की कि चिंतामणि किसके राज्याश्रित कवि थे? तो नागपुर के राजा मकरंद शाह के ये राज्याश्रित कवि रहे हैं। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, रसराज, ललित ललाम, सतसई, किसकी रचनाएं? मतिराम की। कौन कौन सी है? रसराज, ललित ललाम और सतसई, ये जितने भी प्रश्न हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं आपको ये परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है रतन हजारा विष्णुपद कीर्तन बारहमासी गीती संग्रह हिंडोला, ये किसकी रचनाएं? तो रसनिधि की ये रचनाएं सभी महत्वपूर्ण हैं, रतन हजारा विष्णुपद कीर्तन बारहमासी गीति संग्रह हिंडोला। ठीक है, अगला प्रश्न रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? बिहारी, ये रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं बिहारी। बात करें कि रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं प्रमुखतया? केशव दास, भिखारी दास, चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर और देव,
ये रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत आते हैं। बात करें कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा या माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। कविकुल कंठाभरण किसकी रचना है, दूल्हे की रचना है कविकुल कंठाभरण, ये भी कई बार पूछा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है केशवदास को। अगला प्रश्न, अलंकार से संबंधित संस्कृत ग्रंथ चंद्रलोक के रचयिता हैं, तो इसके रचनाकार हैं जयदेव। ग्रंथ की बात करें किससे संबंधित, तो ये अलंकार से संबंधित है। भाषा की बात करें तो संस्कृत, और चंद्रलोक के रचयिता की बात करें तो कौन है, जयदेव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जगत विनोद पद्मावरण गंगा लहरी प्रमोद पचासा प्रताप सिंह विरुदावली आदि किसकी रचनाएं हैं, यह पद्माकर की रचनाएं। कौन कौन सी, जगत विनोद पद्मावरण गंगा लहरी प्रमोद पचासा प्रताप सिंह विरुदावली। तो ये थे कुछ विशेष प्रश्न। अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सभी मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।